दोस्तों, कंगना रनौत, कंगना रनौत के बारे में हम क्या कहे। कंगना रनौत हर एक चीज पे जो है अपना कमेंट देती रहती है, अपने व्यूज देती रहती है, हमेशा हर एक चीज में जो है वो उसके बारे में क्या सोचती है ये बताना कंगना रनौत के लिए बहुत जरूरी बन जाता है। दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था कि अनुष्का शर्मा के साथ क्या हुआ, सुनील गावस्कर ने अनुष्का शर्मा पे जो कमेंट किया उसके वजह से जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद अनुष्का शर्मा ने जो है सुनील गावस्कर को खरी खोटी भी सुना दी थी सोशल मीडिया पे, और इसी वजह से जो है अभी कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा और सुनील गावस्कर के बीच में होने वाली फाइट में कूद पड़ी है। अभी कंगना रनौत इस फाइट में क्यों कूद पड़ी है और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अनुष्का शर्मा ने जब पोस्ट किया सुनील गावस्कर के अगेंस्ट, या सुनील गावस्कर को जब खरी खोटी सुनाई, तब कंगना रनौत ने अपने ट्विटर पे एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अनुष्का शर्मा ने जब मुझे ट्रीट किया गया, जब मुझे हरामखोर कहा गया, जब यानी कि दोस्तों जब संजय राउत जी ने कंगना रनौत को हरामखोर कहा था और शायद उन्हें धमकियां भी मिली थी, उसके बाद अनुष्का शर्मा चुप रही, उन्होंने कुछ कहा नहीं, कंगना की साइड नहीं ली। और जब अभी ऐसा सेम उनके साथ हो रहा है, जब उनके बारे में किसी ने कुछ बोला है, तब वो आके जो है गुस्सा अपना बयां करती है। ये जो फेमिनिज्म है, ये जो सिलेक्टिव फेमिनिज्म है, जो मेरे साइड से नहीं है लेकिन खुद के लिए है, वो बहुत अनुकूल है। यानी कि वो अच्छा फेमिनिज्म नहीं है, या फिर वो इस फेमिनिज्म से एग्री नहीं करती, ऐसा जो है कंगना रनौत ने कह दिया है अनुष्का शर्मा को। दोस्तों, इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने ये भी कहा कि सुनील गावस्कर जी ने जो अनुष्का शर्मा को अननेसेसरीली ड्रैग किया क्रिकेट में, वो गलत है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अनुष्का शर्मा जो सिलेक्टिव फेमिनिज्म कर रही है, जो वो खुद के लिए वो फेमिनिस्ट बन रही है, लेकिन जब मेरे लिए फेमिनिस्ट बनने का टाइम था तब वो नहीं बनी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही, ये भी गलत है, ऐसा कंगना रनौत ने कह दिया है। और अनुष्का शर्मा पे जो है कंगना रनौत ने निशाना साध दिया है। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या कंगना रनौत ने अनुष्का शर्मा को जानबूझ के ड्रैग किया और जानबूझ के उनके ऊपर निशाना साधा, या फिर कंगना रनौत जो भी बोल रही थी वो सब सही था? दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड की और भी ढेर सारी गॉसिप्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।